नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप 2019 का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा है। मैच काफी रोमांचक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 223 रन का इंग्लैंड को लक्ष्य दिया, जिसके बाद इंग्लैंड ने सधी हुई शुरुआत की। ओपनर जैसन रॉय और बेरस्टो ने एक ऐसी स्टार्ट दिया है इंग्लैंड को, जिससे इंग्लैंड कह सकते हैं कि दूसरा सेमीफाइनल जीत जाएगा। लेकिन इसी मैच के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा इंस्टेंट हुआ, जब जैसन रॉय को एम्पायर के गलत डिसीजन का शिकार होना पड़ा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे मेरे साथ कार्तिक जी। अभिषेक, एक जो है जैसन रॉय को एम्पायर ने गलत आउट दिए थे, उससे पहले जो एक रिव्यू था इंग्लैंड के पास, वो जो ने बेस्टो ने ले लिया था, जिसमें अंपायर ने उनको आउट दिया था, और उसके बाद भी बेस्टो ने वो रिव्यू ले लिया था। उसके बाद वो आउट ही थे, थर्ड अंपायर का जब फैसला आया तो आउट ही थी, वो रिव्यू गवा दिया था इंग्लैंड ने। उसके बाद जब अंपायर ने उसको जैसन रॉय को आउट दिया, तब उनके पास रिव्यू बचा हुआ नहीं था और जिससे वो रिव्यू ले सकते। इसी वजह से वो अंपायर के गलत फैसले का शिकार हुए और उनको 65 गेंदों पे 85 रन बनाकर बहुत अच्छा खेल रहे थे, तब उनको अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से मैदान से बाहर जाना पड़ा। आपको बता दें कि 20वें ओवर की चौथी गेंद थी, पैट कमिंस ओवर कर रहे थे, तभी उनकी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई एक बाउंसर पर जैसन रॉय ने हुक करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर कहीं भी नहीं लगी थी जब बाद में देखा गया। लेकिन उसके बाद भी एम्पायर कुमार धर्मसेना ने उनको आउट दे दिया। हालांकि धर्मसेना ने यह फैसला थर्ड एम्पायर को रेफल किया, लेकिन क्योंकि एम्पायर की कॉल थी आउट की, तो इसीलिए जैसन रॉय को आउट दिया गया, जिसके बाद जैसन रॉय ने काफ़ी आपत्ति जताई और एम्पायर को लेकर थोड़ी सी उनकी मुंह बहस भी देखी गई मैदान पर, जिसके बाद में दूसरे एम्पायर ने उनको अलग किया। लेकिन हो सकता है कि जैसन रॉय पर एम्पायर के साथ इस तरह के बर्ताव के बाद थोड़ी सी मैच फीस या फिर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए अभिषेक, अंपायर का जो मैदान में अंपायर का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। उसके बाद थर्ड अंपायर ने भी जब दे दिया, तो उनको इस तरह का जो उनका बिहेव था, जो उन्होंने अंपायर के साथ किया, ऐसा उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक सभ्य खिलाड़ी की पहचान उसमें नहीं होती, एक असभ्य तरीके से वो अंपायर के साथ पेश आए। बहरहाल, इस विश्व कप में कई फैसले ऐसे देखे गए हैं जब एम्पायर की वजह से कई खिलाड़ी आउट हुए। एक मैच में विराट कोहली को भी इसी तरह से एम्पायर के गलत फैसले का शिकार होना पड़ा था। लेकिन विश्व कप सेमीफाइनल की अगर बात करें तो लगभग कह सकते हैं कि इंग्लैंड इस मैच को जीत चुका है, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बाद हो सकता है कि दूसरी टीम होगी जो फाइनल में पहुँचेगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।